हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल एंड फाइन। सो गाइस, सुबह की शुरुआत हो चुकी है जैसे कि, तो ये मेरे डिनर की शुरुआत है और ये मेरे लंच की, मेरे ब्रेकफास्ट की। सो स्टार्टिंग में मैंने चाय और दूध से स्टार्टिंग होती है सुबह की मेरी। और फिर मैंने यहाँ बच्चों के लिए बनाया था पास्ता, तो मैंने यहाँ चॉप करे हुए अनियन, शिमला मिर्च और कैरेट डाली थी। सो उसको मैंने अच्छा हल्के हल्का फ्राई कर लिया था गाइस, और उसमें मैं स्लाइटली सा सॉल्ट डालूँगी तो ताकि ये गल जाए। और इधर मेरा दूध बॉईल हो रहा है, इधर मैंने अपनी चाय रखी है। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है गाइस। और यहाँ ये मेरे, मैंने नमक मिर्च डाल दिया है पास्ता के लिए। सो इधर मेरा पास्ता ये गलेंगे, थोड़ा सा मिक्स होगा, फिर उसके बाद में मैं इसमें अपना पास्ता ऐड कर दूँगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, बनाएंगे। पानी मैंने ऐड कर दिया, अब मैं डालूँगी इसमें पास्ता अपना। और पास्ता डालने के बाद इसको मैं थोड़ा बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो ये मेरा पास्ता रेडी हो रहा है धीरे धीरे। इधर मैंने चाय रखी है और चाय में डाला दूध। तो इधर मेरी चाय पकेगी धीरे धीरे, तो देखते हैं, चलते हैं पास्ता की तरफ कि पास्ता के क्या हाल चाल है। तो इधर मैंने मैंगो शेक की तैयारी करी है बच्चों के लिए। मैंने पहले ऐसे पल्प बना लिया था मैंगो शेक का, और मैंने सोचा इसको है रेडी करके रख देती हूँ तो दो तीन दिन चल जाएगा वो मेरा। तो मैंने खड्डा बना लिया था, तो इधर मैंने रेडी कर लिया है, मेरा मैंगो शेक रेडी हो चुका है। सुबह सुबह हैवी कुछ देना चाहिए, तो मैंने सोचा मैंगो शेक ही कर लेते हैं तो वो बेटर है आजकल। तो यहाँ बच्चों के लिए मैंगो शेक रेडी है, और उसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, इतने बच्चे उठेंगे। और इधर मेरा पास्ता रेडी है गाइस, और इसमें डाली मैंने एंड में केचप थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसको सिम पे बनने देंगे। जब ये अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए, अच्छा सा मैरिनेट हो जाए, वाह वंडरफुल। इसका सारा पानी सूख जाएगा, उसके बाद हम इसको बच्चों के लंच में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बन चुका है, और ये मैं इनके लंच में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये साहिबा आई थी अभी, शायद कुछ चाहिए होगा उसको। तो गाइस, ये साहिबा का लंच है, इसमें मैंगो रखे हैं, दो बिस्किट रखे हैं और पास्ता है इसका। ये लियो के लिए है, ओनली पास्ता। लियो साहिबा की बॉटल है ये, और ये लियो का लंच बॉक्स है, बॉटल है। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं, पहले साहिबा को ड्रॉप करती हूँ बाहर जाके, उसकी बस आएगी। और अब लियो की बस आ रही है, तो लियो को ड्रॉप करने जा रही हूँ मैं। सो लियो जा रहा है स्कूल के लिए, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कर रहा है सबको। और इधर आ गई हूँ मैं घर में, तो ये मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया, ब्राउन ब्रेड, बटर और चाय अपनी मम्मी के लिए। और इधर फिर मैं आ गई हूँ किचन में, इधर ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड
इधर ये सब चीज़ें ऐड हो रही हैं। सो गाइस इधर चाय रेडी हो चुकी है और इधर मैं फ्राई पैन रख रही हूँ इस साइड में। तो इधर मैं छोंकने जा रही हूँ घिया। तो गाइस इधर घिया के लिए प्रिपरेशन करेंगे। हल्की फुल्की सी प्रिपरेशन है, ऑयल डाला, ऑयल में जीरा डाला, मैंने प्याज का पेस्ट रेडी कर रखा था तो मैंने प्याज का पेस्ट रेडी करा हुआ डाल दिया है इसमें। और अच्छे से हमारा जीरा ये मसाला भुन जाए प्याज और जीरे का। और ये मेरा घिया कट करा हुआ मैंने रखा हुआ था जो, वो मैंने अब इसमें डाल देना है। पहले इसमें टमाटर ऐड करूँगी, फिर सभी मसाले। अब हम डालेंगे जी इसमें लाल मिर्च और फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। हल्दी धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है और सम सॉल्ट स्वाद अनुसार वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें पानी डाल के हल्का सा भून लेंगे। और इसमें मैंने अपना घिया डाल दिया है सो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा मसाला भून रहा है और हमने पानी दे दिया है, उसके बाद हम विसल लगा देंगे। तो फिर मैंने इधर शाम के लिए डिनर के लिए छोले वाइट काबली चने भिगो रही हूँ तो उसमें मैं डालूँगी 2 कटोरी मैंने काबली चने लिए हैं। और उसमें हमें डालेंगे नमक, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये डाल के मैं इसको शाम के लिए रख दूँगी और शाम को फिर डिनर के लिए करेंगे प्रिपरेशन। और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल गाइस। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। सो ये हमारी दिल्ली की सड़कें हैं गाइस और इसकी थोड़ी देर बाद ये हॉस्पिटल आ जाएगा। तो ये है हमारे दिल्ली का सबसे पुराना हॉस्पिटल, आई का क्लिनिक है, आँखों का क्लिनिक है ये बहुत बड़ा। और फिर मैं आ गई थी घर, घर आके फिर मैंने फटाफट खाने की तैयारी करी। तो मैंने फिर शाम को डिनर की तैयारी करी है। क्योंकि लंच मैं इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी अनफॉर्चुनेटली। सो इधर मैंने फिर डिनर का ही, जब लाइट आई तो हमने डिनर ही बनाया। तो हमने यहाँ छोलों के लिए मसाला रेडी कर लिया है। ये मेरा अच्छे से मसाला भून रहा है गाइस। और ये मैंने यहाँ पे मैदा लिया, इसमें कसूरी मेथी डाली, अजवाइन डाला और नमक। तो अच्छे से मैं इसको मैश कर लूँगी गाइस। तो यहाँ मेरा मैदा रेडी हो गया है। और फिर हम तैयारी करेंगे, सीख रहे हैं गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी कैसे हमारे भटूरे फूल रहे हैं। देखो हम ऐसे भूनते हैं, ये देखो गरम गरम भटूरा। बिल्ले दी अट्टी के भटूरे भी भूल जाओगे इसे खा के। तो ये है हमारे घर का भटूरा और साइड में मैंने चॉप करे हुए प्याज भी रखे हुए हैं। तो ये मेरे भटूरे सब रेडी हो गए हैं तो मैं बच्चों को देंगी डिनर। तो चलते हैं हम अब डिनर की तैयारी, डिनर देंगे बच्चों को, बच्चे खाना खाएंगे और फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी।
सो गाइस ये मेरी थाली थी, छोले भटूरे, ये हूँ मैं गाइस, और मैं अपने भटूरे खा रही हूँ, छोले भटूरे। वेडनेसडे कभी कभी हमारे घर में छोले